लगभग 10-15 मिनट और जमा में 20-25 मिनट हो गए हमें चलते हुए, और बीच का कोई नामो निशान नहीं दिखाई दे रहा। मेरे को तो लगा था कि छोटा सा पैच है कोई डेजर्ट का, ये तो बहुत बड़ा पैच है। कांट डोंट थिंक के आज हम बीच पे जाएंगे। हाँ, फोर व्हील ड्राइव होती तो चले जाते। पर ये भी अच्छा एक्सपीरियंस रहा सैंड ड्यून्स में वॉक करने का। और समंदर उधर है, यहाँ से कोई लगभग 2-2.5 किलोमीटर दूर। आई एम हैप्पी टू गो, पर मेरी वाइफ कह रही है उसे ज़्यादा नहीं चलना, उसे चलना पसंद नहीं है। एक्चुअली वो राजस्थान से है, तो वो कहती है ये तो हमने बहुत देखे हुए हैं, मेरे को क्यों यहाँ धक्के खिला रहे हो। उसके लिए ये नया नहीं है, मेरे लिए नया है, मेरे को मज़ा आ रहा है। तो कह रही है वो और आगे नहीं जाएंगे, तो हम यहीं से वापस हो लेते हैं। आपको थोड़ी और नेचर यहाँ की दिखा देता हूँ, ऊंचाई से। और मेरे घरवाली ने आवाज़ दे दी है पीछे से कि भाई मुड़ाओ। मैंने कहा भाई चलो फिर मुड़ाते हैं। क्या टिब्बे हैं, ये शायद सबसे ऊंची पीक लग रही है मेरे को टिब्बों की। पर जैसा कि लिख रखा था कि वेजिटेशन पे आप गाड़ी नहीं चला सकते, तो शायद वहाँ गाड़ी नहीं चला सकते उनके ऊपर जहाँ जहाँ घास दिखाई दे रही है। पैदल चल के जा सकते हैं, तो हम जाने लग रहे हैं। शायद कोई और रास्ता हो नॉर्मल गाड़ियों के लिए बीच पे जाने का। अरे वाह, तो देखते हैं जाके गूगल में कोई और रास्ता हुआ बीच पे जाने का तो गाड़ी से जाएंगे, वरना यहीं से यू टर्न मारेंगे। अब यू टर्न का मतलब वापस अपनी गाड़ी की तरफ। ओके, तो चलो वापस चलते हैं। और ये देखिए जी, डेजर्ट। मेरी घरवाली पूरी दुखी हो चुकी है, तो इससे पहले वो और ज़्यादा कुछ बोले हम वापस हो लेते हैं। बाकी वो रहा समुंदर, करीब 2-2.5 किलोमीटर दूर होगा यहाँ से। ऊंचाई नीचाई, बीच में वेजिटेशन, हो सकता है सांप बिच्छू भी हो। तो वापस चलते हैं क्या, आपकी क्या राय है? मैं तो वहाँ जाना चाहता हूँ बीच पे। आपका आपको वापस जाना है? हाँ। तो चलो फिर, मैं थक गई। आप थक गए, तो चलो फिर। हाँ, तो दूसरे रास्ते से, और तो कोई रास्ता दिख नहीं रहा। तो जैसा कि आप देख रहे हो उधर पहाड़ी है, वो सारी वेजिटेशन हरियाली, बीच में ये थोड़ा ड्यून्स रेगिस्तान जैसा पैच, और उधर समुंदर है ना गजब। देखिए ये देखो, इधर है, यहाँ पे। तो चलो गाड़ी की तरफ वापस चलते हैं। ये जानवरों के निशान है, पता नहीं किस जानवर के हैं। ये खरगोश के हैं, मेरी घरवाली ने बताया अभी। तो यहाँ पे खरगोश भी है, बनी बनी जी भी हैं यहाँ पे। चलो वहाँ बीच में से कट मारते हैं, देखते हैं कोई बनी जी मिल जाए तो।
शायद हमें देख के डर जाए, भाग जाएंगे, या अभी तक सो रहे होंगे, उठे नहीं होंगे ना। उनको कैंपिंग करनी है, वो तो कैंपिंग करते ही हैं एवरीडे। बनी जी वाह, ऊपर चढ़ गए और भी नज़ारा खूबसूरत होता जा रहा है। तो कैसा लग रहा है? मेरे को तो पूरा मजा आ रहा है, पहली बार इतनी रेत देखी है। मेरी वाइफ ने कहा नेक्स्ट टाइम इंडिया चलेंगे तो तुम्हें राजस्थान लेके चलूंगी। जितना दिल करे उतनी लोट मार लेना रेती में। कहा ठीक है भाई। तो यहाँ से और भी अच्छा खूबसूरत नज़ारा, चलो। ये बनी जी के पैरों के निशान, किसी डक वगैरह पक्षी के पैरों के निशान के साथ क्रॉस करते हुए, और हमने भी क्रॉसिंग कर दी। वाह जी वाह, नाइस। अब यूँ नहीं पता कि ये बना कैसे होगा, क्योंकि मैं कोई जियोलॉजिस्ट नहीं हूँ। ये बनाया गया है, नेचुरल है, कृत्रिम है, क्या है, नो आइडिया। मेरे को ऐसा लगता है पहले यहाँ तक समुंदर होगा, वो पीछे चला गया होगा किसी कारण से, ये बच गए। तो ये ड्यून्स, ये रेगिस्तान जैसा सा ये बन गया यहाँ पे। बाकी असलियत क्या है ये तो कोई पढ़ा लिखा जियोलॉजिस्ट ही बता सकता है, मैं नहीं बता सकता। और ये पता नहीं किस जानवर के निशान है, देखिए ऐसे लग रहा है कोई बड़ा जानवर होगा या दो कंगारू एक साथ जग गए होंगे या कोई लामा टाइप होगा कुछ, पर बनी जी के तो नहीं है ये। बनी जी दिखाई नहीं दी अभी तक। यहाँ से स्लाइड भी कर सकते हैं, वैसे कूदना ही है, कूद के अपना पिछवाड़ा टिका दो, स्लाइड हो जाएगी। तो वहाँ से हम आए थे, भटकना नहीं चाहते। तो ये देख के अब माइंड में बात आती है कि पुराने टाइम में लोग ऊँटों पे चलते थे, बड़े बड़े रेगिस्तान पार करते थे व्यापारी लोग, चोर डाकू गुंडे पता नहीं क्या क्या लोग मिलते होंगे बेचारों को राजस्थान में, ऐसी तो है मुझे। तो कोई इजी टास्क नहीं है, तो लगता हम भटक गए, हमें वहाँ जाना है, हमें वहाँ जाना है। नहीं मैं स्लाइड नहीं करने वाला अभी। मैं आपकी वीडियो बनाती हूँ, आप स्लाइड करो। नहीं करो। नहीं हाँ सेल्फी जरूर ले सकते हैं अगर आप सेल्फी लेना चाहो तो। हाँ जी बिल्कुल, थैंक यू। थैंक यू, सेल्फी ले मैंने ले ली आज। यहाँ पे हमें थोड़ा ध्यान से चलना होगा क्योंकि ये पता नहीं कौन सी वेजिटेशन है, यहाँ पे घास है हरी है कोई ना, जैसे अपने एक पत्थरचट नाम का पौधा होता है इंडिया में, वैसा वैसा सा है कुछ। से कमाल की बात है, लाइफ अपना रास्ता ढूंढ ही लेती है। चलो चलते हैं, बढ़ते रहते हैं। बाकी वेजिटेशंस के पास जाना ज़्यादा सेफ नहीं मानता मैं, लगता है कोई गाड़ी आ रही है।
अच्छा गाड़ी नहीं है, पता नहीं मेरे को लगा गाड़ी आ रही है, वो लहरों की आवाज थी। हाँ, और हमारा टेंट बीच से करीब होगा 4 किलोमीटर दूर, और वहाँ तक हमें ऐसा सुनाई दे रहा था जब रात को सो रहे थे जैसे बस 100 मीटर की दूरी पे ही बीच है, और ऐसा ही मेरे को इम्प्रेशन था कि बीच ज़्यादा दूर नहीं है तो हम आराम से पहुँच जाएंगे, थोड़ा घूम फिर लेंगे। ओह, पर बीच दूर निकला और रेगिस्तान घूम लिए, चलो बीच आके और घूमेंगे। तो अपने जो राजस्थान के लोग हैं बेचारों की लाइफ तो टफ ही होती होगी जो ऐसी जगह रहते हैं, पीने को पानी नहीं और ज़्यादा खेती नहीं, उनकी सुध लेने वाली कोई सरकार नहीं, तो क्या करें, टफ लाइफ। बट नेचर के अंदर अडाप्ट हो जाते हैं और अपनी धरती सबसे प्यारी लगती है, चाहे वो कितनी सूखी हो या वो कितनी गीली हो, अपनी धरती अपनी धरती होती है। बात ठीक है, चलो वापस गाड़ी तक, वही रास्ता है जहाँ से हम आए थे, ये हमारे पैरों के निशान, अब हम जा रहे हैं गाड़ी पे वापस, तो मिलते हैं फिर जब अगले स्पॉट पे आके कैमरा ऑन करेंगे तो। ओके फ्रेंड्स, सी यू सून।